लेडीज को जेंट्स को दोनों में यूज करने के लिए हेयर ऑयल बनाते हैं। टी प्लांटेशन की सुंदर लगता। हाय फ्रेंड्स, आमी शमिता नतून आरेकटा पर्वे तोमादे सबाइके स्वागत जानाई। आजके आमरा जाच्छी कोचिते, आमरा बेंगालोर थेके कोचिते जाच्छी, कारण आमरा कोचि थेके जाबो मुन्नारे, केरलेर एकटी केरल राज्येर एकटी जायगा मुन्नार, एटा हिल स्टेशन। तो चलो तोमरा आमार संगे, आशा करी तोमादेर भालो लागबे। फ्लाइटटा ना अनेक लेट करेछे, अनेकक्षण अपेक्षार पर अवशेषे आमरा फ्लाइटे बसलाम एतक्षणे। बापरे, আমরা এসে গেছি কোচিতে, কোচি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। এখান থেকে আমরা মুন্নার যাব। তো আমরা এখন মুন্নার যাব কোচি এয়ারপোর্ট থেকে। আমাদের গাড়ি রেডি হয়ে আছে এয়ারপোর্টে। ব্যাস, এবার আমরা মুন্নারের পথে বেরোব। This is from here only. Yes. Our garage to garage. পুরো ক্লাউডি ওয়েদার শুরু হয়ে গেছে, দেখেছো? হাওয়াটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। এই তো বন্ধুরা, পথে যেতে যেতে ছোট বড় অনেক ওয়াটারফলস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তো এটা খুব ভালো একটা বড় ওয়াটারফলস, চিয়াপ্পাড়া ওয়াটারফলস। এখানে আমরা দাঁড়ালাম, কিছু ছবিও শ্যুট করলাম, করে ওখান থেকে আবার আমাদের ছুটে চলা। আমরা আবারও পথে দাঁড়িয়ে পড়লাম, এবার আমরা স্পাইস গার্ডেন দেখতে যাব। বিভিন্ন রকমের স্পাইস তো কেরালাতে বিখ্যাত, তো ওখানে গার্ডেন আছে স্পাইসের প্রচুর। তো সেরকমই পেরিয়ার স্পাইস গার্ডেনে আমরা দাঁড়িয়েছি। এখানে জন প্রতি 100 টাকা করে টিকিট গার্ডেন দেখার জন্য। चक्रफूल कुड़ो लो दोनों पेड़ का फूल होते हैं। अप्रैल मई में सीजन है, समर में सीजन होते हैं, साल में एक ही बार आएगा। वो देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सब देखने को मिलेगा। और आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेद मीन्स मेनली फ्रॉम केरला ओनली। अच्छा, ये चक्रफूल का पेड़ है, सारणी का बड़ा वाला पेड़। चक्रफूल स्टारनिश, अप्रैल फेमस का सीजन, स्टारनिश गाछ अप्रैल मासे सीजन टाइम। कौन जायफल का? जायफल गाछ देखो। ये जो फल हो जरा कोई जायफल, जायफल जोयत्री जेटा हो जायफल। ये इससे भी बड़ा होगा। आयुर्वेदिक दवा में इंग्रेडिएंट है, इनडाइजेशन एसिडिटी के लिए दवा में इंग्रेडिएंट है।
ये एरिया में जिधर जायफल होते हैं वो एरिया में इसका पिकल भी बनाते हैं इससे। पिकल अच्छा मिलेगा आपको, समझा? बन जाएगा, इतने मोटा पेड़ बन जाएगा। इसका स्किन निकाल के छाल निकाल के सूखेगा तो दालचीनी सेम बेड के होते दालचीनी। इसको आयुर्वेद में कुरुंदोटी बोलते, कुरुंदोटी। अच्छा, हमारे जॉइंट पेन के लिए ऑयल बनाते, आर्थराइटिस के लिए। आर्थराइटिस दो टाइप है, ओस्टियो आर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड। ओस्टियो मीन्स यंगस्टर्स टीनेजर्स ये लोग आते हैं ओस्टियो आर्थराइटिस। आप लोग जैसा ओल्ड एज में 40 के बाद में आते हैं वो तो रूमेटॉइड और आर्थराइटिस। थोड़ा मोटे में तो जल्दी ठीक होगा, पुराने है तो कम से कम एक साल का कोर्स घाना पड़ता है। ये भी कोको बन जाएगा, ऊपर देखा इतने इतने बड़ा है। छह महीने के बाद में, छह महीने के बाद में ये राइप होगा, उसी टाइम निकालना चाहिए। ये डेमो के लिए रखा, बाद में सूख जाएगा, हम लोग निकालते नहीं, सूख जाएगा, सूखेगा तो वेस्ट है। अच्छा, ये राइप होने के बाद निकालना चाहिए, उसी टाइम कटिंग रहेगा तो इसके अंदर कोको का सीड है। कोको का सीड के ऊपर कोको का पल्प है, कोको पल्प व्हाइट कलर है, इससे कोको बटर बनाते हैं। कोको बटर से व्हाइट चॉकलेट बनाते हैं, डेयरी मिल्क जैसा व्हाइट चॉकलेट बनाते हैं। और शिया बटर मोइस्चराइज में इंग्रेडिएंट है। कोको सीड रोस्ट करके पाउडर करे तो ब्राउन कलर होते हैं। अच्छा, टेस्ट कड़वा है, इससे डार्क चॉकलेट बनाते हैं, केक में इंग्रेडिएंट है। कोको पाउडर बॉर्नविटे जैसे हम लोग एक एक चमचा यूज़ करेगा ना, ब्रेन के लिए अच्छा है। हनुमान एक दवा लेके आया ना, जड़ी-बूटी, ये हमारे कमर दर्द के लिए, बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, जॉइंट पेन, ऑल बॉडी पेन के लिए इससे ऑयल बनाते हैं, सर्वांग तैलम, वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है। कोको गाछ, कोको फॉल, सैंडलवुड। ये प्लांट लगाने के लिए किसी को परमिशन नहीं, ये बड़ा होने के बाद कटिंग करने के लिए सरकार का परमिशन चाहिए। अरे इसको नीलांबरी बोलते हैं, नीलांबरी इंडिगो फेरा, लेडीज का हेयर ऑयल बनाते इससे। अच्छा, नहीं ददरुहारी बोलते, स्किन डिसीज का दवा में इंग्रेडिएंट है, एक्सिमा सोरियासिस, सोरियासिस बहुत वैरायटी है, समझे क्या? अश्वगंधे इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर, किंग किंग ऑफ आयुर्वेदा। मैडम को चलने का, माता जी को चलने का प्रॉब्लम है ना, जॉइंट पेन है। अच्छा, अश्वगंधा खाएगा तो हड्डी को ताकत मिलेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा। फ्रूट मीन्स 3 साल लगेगा। अच्छा, ये फ्रूट के अंदर सीड है, वो सीड से लेडीज को जेंट्स को दोनों यूज करने के लिए हेयर ऑयल बनाते हैं। नीलांबरी ओनली फॉर लेडीज। अच्छा, डैंड्रफ जाएगा, एयरफोर्स बंद होगा, प्रीमेचर ग्रे ये तो जाएगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है टोर जिंजर, टोर जिंजर। ये तो बंधुरा আমরা আয়ুর্বেদিক ওদের নিজস্ব দোকান আছে সেখানেও চলে এসেছি। আমাদের এখানে বিন মানে ফ্রিতে ডাক্তারও দেখালাম, বিভিন্ন একটু সমস্যা ছিল তো আমরা দুই একটা ওষুধও নিলাম। দেখি আয়ুর্বেদিক তো কোনো অসুবিধা নেই, কোনো সাইড এফেক্ট নেই। আর কেরালা তো আয়ুর্বেদের জন্য বিখ্যাত, সেই জন্য আমরা কিছু দুই একটা ওষুধও নিয়ে নিলাম। তো এবার আমরা চলেছি আবার হোটেলের দিকে। তো চলো, পথে যেতে যেতে দেখি কিছু পড়ে কি না। এই তো যেতে যেতে সূর্য অস্ত যাচ্ছে দেখছি, একটা ছবিও তুলে ফেললাম। কি ভাল লাগছে না দেখতে, দেখো চা গাছের সামনে দিয়ে যাচ্ছি আমরা, টি প্লান্টেশনের সামনে দিয়ে। আর মুন্নার তো পুরো চা গাছে একদম মোড়া শহর, এত সুন্দর চা বাগান। আমরা গুগল সার্চ করেছিলাম তখনই দেখেছি, তো প্রচণ্ড ভালো লাগছে দেখতে, সেই জন্য কি নামলাম। নেমে আমরা কিছু ক্যামেরা বন্দি করছি। তো চলো, তোমরাও দেখো, কি ভালো লাগছে না দেখতে, দেখো কি সুন্দর লাগছে দেখতে। বাবা, হোটেলে পৌঁছালাম। এই তো আমরা চলে এসেছি আমাদের হোটেলে, তখন সন্ধে হয়ে গেছে। মাঝখানে দু একটা স্পট ভিজিট করলাম, তো
এজন্য আরো দেরি হয়ে গেল। এই তো হাজবেন্ড এখন সব অফিশিয়াল ওয়ার্কগুলো সারছে। তো চলো, এই তো বন্ধুরা আমরা হোটেলে রুমেও চলে আসলাম, এখন একটু ফ্রেশ হব। এত টায়ার্ড লাগছে না, সেই সকালবেলা বেরিয়েছি তো, ব্যাঙ্গালোর থেকে কোচি আসতে কিন্তু ফ্লাইটে 1 ঘন্টাই সময় লেগেছে, কিন্তু কোচি থেকে মুন্নার আসতে আমাদের প্রায় 4.5 ঘন্টার মতন লেগে গেল সময়, কারণ আমরা মাঝখানে 2-1টা স্পট ভিজিট করেছি, তো নাহলে কিন্তু 3.5 ঘন্টার মধ্যেই মোটামুটি পৌঁছে যাওয়া যায়। তো যেহেতু আমরা 2-1টা জায়গা দেখে ঘুরে আসলাম, সেই জন্য আমাদের সময়টা একটু বেশি লেগেছে। তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আজকের পর্ব। তো কেমন লাগলো জানিও। তো কালকে তো আবার আমরা বেরোবো, তো তোমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই শেয়ার করব কালকের ঘোরার পর্ব। তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। যদি ভালো লাগে আজকের পর্ব তাহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর প্লিজ প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। পরবর্তীতে আবার অনেক সুন্দর আর একটা পর্ব নিয়ে তোমাদের কাছে চলে আসব। ততক্ষণের জন্য টাটা।